अस्सलाम वालेकुम, वालदा की रसोई में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम बनाएंगे चिकन सामी कबाब। इसके लिए हमने ये चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन है। हमने इसको धो के साफ़ कर लिया, इस टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम पूरा लाए थे, हमने इसकी हड्डी अलग कर दी और इसको हमने निकाल लिया। ये अपने घर पे ही हमने अपने आप से निकाला ही, बोटी बोटी निकाली साफ साफ, और इसको हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये दाल हमने भिगो के रखी है, ये 1 कप दाल होगी 100 ग्राम दाल। इसको हमने भिगो के रख दिया है पानी में, इसको भी हम डाल के और इसको उबालेंगे अभी इस कढ़ाई में। ये कढ़ाई रख दी है हमने, अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे, 1 चम्मच। इसके लिए हमने कुछ मसाले लिए हैं, ये भी डालेंगे इसी में। ये 1/2 चम्मच जीरा है, और ये 8-10 ये काली मिर्च हैं, 4-5 लौंग, 4 हरी इलायची, 1 तेज़पत्ता है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और ये सूखी लाल मिर्च है 5-6, ये भी डालेंगे इसी में। अब हम इसको, तेल गर्म हो गया, इसमें डालते हैं मसाले, ये खड़े ये वाले डाल देते हैं, ये खुशबू के लिए। मोटी इलायची भी है इसमें, ये हम डाल देते हैं, और ये जीरा भी। अब इसी के साथ हम इसमें ये चिकन डाल देते हैं अपना। इस तरीके से ही बनाएंगे आज, आप भी हमारे तरीके से बनाए, बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छे बनते हैं सामी कबाब। अदरक लहसुन भी डाल देंगे हम इसमें 2 चम्मच। हम इस तरीके से इसको उबालेंगे दाल को इसके साथ चिकन के। ये हमने अदरक लहसुन डाल दिया 2 चम्मच। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे, मिलाएंगे। इसी में हम अपनी सूखी लाल मिर्च भी डाल देते हैं, हरी मिर्च डालेंगे जब जब हम इसे पीसेंगे, दाल को पीस लेंगे उसके बाद गड़बड़ी कर। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं हल्का हल्का, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी। इस तरीके से बना लेते हैं। इसी में हम थोड़ी सी प्याज डाल देते हैं कटी हुई, ज़्यादा नहीं, थोड़ी है बस। इस तरीके से हम इसे भून लेंगे। अब नमक डाल, 1/2 चम्मच नमक डाल। दाल को हमने 1 घंटा भिगोया था। अभी इसका कलर चेंज हो गया, अब इसमें हम अपनी दाल भी डाल देते हैं जो हमने भिगो के रखी थी 1 घंटे से। अब इसमें पानी डालेंगे हम, ये 1 गिलास, इसमें हमने 1 गिलास पानी डाल दिए। अब इसे हम ढक देंगे मीडियम गैस पे। अब दाल गलाने तक इसे पकाएंगे, जब तक दाल और चिकन साथ साथ में दोनों ही गल जाएंगे। अब इसे ढक देते हैं, मीडियम गैस कर देते हैं, बस इस तरीके से ढक देते हैं। अब 10 मिनट तक इसे पकाएंगे। अब हमने जो 2 प्याज की हमने गंठी काटी है, ये मोटी मोटी, अब इसे हम क्या करेंगे, ये मिक्सर जार में डाल के इसमें हम दरदरा कर लेंगे। और ये 4 हरी मिर्ची ली है हमने, ये भी इसी में डाल देते हैं। इसे हम अपने उसमें मिलाएंगे जब हम दाल पीसेंगे, तो पहले ही हम इसको दरदरा कर लेते हैं मिक्सर जार। अब ये हो गया इस तरीके से, हम ऐसे ही डालते हैं इसमें इस तरीके से, हाथ से चौक करो इसे, तो हम मिक्सर में ही कर लेते हैं इसको चौक। अब जब हम अपनी दाल पीसेंगे इसमें मिक्सर में, तभी हम इसको बाद में मिलाएंगे। बहुत अच्छा, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, इस तरीके से बनाते हैं हम। अब इसको रख देते हैं, और ये जार जो है हम ऐसे ढक के रख देते हैं, इसमें ही हम अपनी दाल पीसेंगे जब हमारी दाल उबल जाएगी। ओके, चिकन चिकन दाल दोनों गल जाएंगे, उसके बाद हम इसे ठंडा करके इसमें पीसेंगे। अब देखते हैं हम अपनी दाल, हमने 1 बार 2 बार चलाई हुई थी, और इसमें हमने हल्दी भी डाली, हल्दी डालना हम भूल गए थे उस टाइम, तो हमने बाद में डाली। अब देखो दाल ये अच्छे से गल गई, और इसको हम थोड़ी सी आंच बढ़ाते हैं, गैस बढ़ाते हैं इसका फ्लेम, और इसे थोड़ा सा और इसे कर लेते हैं इसका पानी जो खुशक, पानी तो है ना इसमें वैसे सूख गया, बस हो गई ये। अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं प्लेट में निकाल। अब देखो इसमें हमने निकाल लिया इसे, अब इसे हम ठंडा करके फिर पीसेंगे।
और ये अब हमारा चिकन भी देखो अच्छे से गल गया, ये भी गल गया, और देखो दाल दाल भी गल गई। इतनी गलानी है, और अगर पानी हुआ उसमें तो सुखाना है पूरा, ऐसे करना है डराई से। अब ये ठंडी हो जाएगी तब हम पीसेंगे इसे। अब इसे हम दाल को पीसेंगे। अब ये बोई जा रहा है जिसमें हमने प्याज अपनी दरदरी करी थी इसमें डालने के लिए, उसी में हम इसे अब पीसते हैं। अब देखो ये पिस गई हमारी चिकन और ये दाल, ये हमने इसे पीस लिया। अब इसमें हम सामान डालते हैं। अब ये हमने जो प्याज हमने दरदरी करके रखी थी ये हम इसको डाल देते हैं, पानी पानी हटा के इसको ऐसे डाल देते हैं। ये हम सारे डाल देंगे। इसमें हमने हरी मिर्च भी दरदरी कर ली है, आप चाहो तो चौक करके भी डाल सकते हैं, हम ये मिक्सर जार में ही कर लेते हैं इसको। और ये हरा धनिया ये बारीक बारीक काटा है, ये भी डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था हमें तो नमक हम डालते हैं, ये आधा चम्मच नमक डाल दिया, आधा चम्मच ये गरम मसाला डालते हैं पिसा हुआ, आधा चम्मच ये जीरा पाउडर डालते हैं भुना और कुटा है ये, इससे तो बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। ये थोड़ा सा हम ये काली मिर्च पाउडर डालेंगे, ये कुटा हुआ आधा नींबू का जूस डालेंगे इसमें हम, इससे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, ये भी डालते हैं हम। अब इसे हम मिक्स करेंगे पूरा अच्छे से मिलाएंगे, फिर हम इसकी अब ये टिक्कियाँ बनाएंगे। पहले हम इसे मिलाते हैं, आप चाहो तो अंडा भी डाल सकते हैं, हम अंडा नहीं डालते हैं, हम इस तरीके से ही बनाते हैं इसे। इस तरीके से हम पहले पूरा मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमने मिक्स कर लिया और इसमें हम नमक मिर्च सब चख लिया, एकदम ठीक है। अगर आपको मिलाना हो, इसी वजह से हम बाद में मिलाते हैं सब कुछ और मसाले, इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है, बहुत टेस्टी बनते हैं। अब हम इसे बनाते हैं। अब हम इस तरह से पानी का हाथ लगाएंगे थोड़ा सा और इसे बना देंगे इस तरीके से, इसको शेप देके हम गोल बनाएंगे ऐसे। बस इस तरीके से हम बड़े छोटे आप जैसे मर्जी आप बना सकते हैं, हम ऐसे ही बना लेंगे। अभी ना गोला बनाया, इस तरीके से ऐसे हम बना लेंगे, देखो ये बन गया। अब हम बना के अभी दिखाते हैं, बना लेते हैं। अब देखो ये बन गए सामी कबाब हमारे, अब इन्हें हम सेकेंगे, कितने सारे बन गए देखो इतने से चिकन। और अब अभी हमारा थोड़ा बचा भी है, इसको हम बाद में बनाएंगे, इतने सारे बना लिए हमने, अब इन्हें हम सेकेंगे। अभी अभी तवा रख दिया हमने, अब इसमें तेल डालते हैं, गैस ऑन कर दी। अब हम अपने ये सामी कबाब सेकेंगे, अब इसे थोड़ा गर्म करेंगे, पूरा फैला देंगे सब जगह। अभी तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम रख देंगे सारे तरीके से हम रखते हैं। अब ये हमने रख दिए, अब एक तरफ से हम इन्हें गोल्डन करेंगे, पहले गैस को मीडियम रखेंगे। अब इसे हमने पलट दिया देखो इस तरीके से, इसे गोल्डन कलर आने तक सेकना है अच्छे से करा लेंगे। अब देखो ये सिक गए, अच्छे से सिके हैं, गोल्डन हो गए बिल्कुल ऐसे। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं दूसरे से इस तरीके से। अब देखो बन गए हमारे ये सामी कबाब, कितने अच्छे बने, बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार। आप भी हमारे तरीके से बनाएं, देखो ये रमजानों में, अब रमजान आ रहे हैं, आप भी बना के हमारे तरीके से खाएं और हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, और हमें बताएं कमेंट में हमारे ये सामी कबाब कैसे थे, हमारे तरीके से बनाएं। दूसरी रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।